हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सी बैंड एल एन बी के बारे में आपको दिखाएंगे कि सी बैंड एल एन बी हमने ये सॉलिड वेबसाइट से परचेज़ किया था। ये हमारा छोटा सा वीडियो है जो दोस्तों जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए इसका सी बैंड एल एन बी का इसका इनपुट लो फ्रिक्वेंसी, आउटपुट फ्रिक्वेंसी, गैन नॉइज, फेज नॉइज, डी सी पावर आउटपुट, स्पेस की डिटेलें लिखी हुई हैं जैसे देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, हमने ये सॉलिड की वेबसाइट से हमने मंगाया था जैसा कि आप देख रहे हैं। मगर दोस्तों, ये हमने कम से कम 10-12 महीने पहले मंगाया था दोस्तों। तो हमको ये यहाँ पे हमारे पास आकर सॉलिड की वेबसाइट से हमने मंगाने पर दोस्तों हमको ये कम से कम 1000 रुपये का हमको यहाँ हमारे पास आकर पड़ा था। तो दोस्तों, अब हम आपको एल एन बी दिखाते हैं। यह देखिए दोस्तों, ये इसका सी बैंड एल एन बी है। दोस्तों, हमने ये टाटा स्काई 2 फुट छतरी पर लगा हुआ था, हमने उससे निकाल दिया है क्योंकि हमें सिग्नल क्वालिटी इसमें कम मिल रही थी। इसके लिए कम से कम 6 फुट का छतरी होना चाहिए जब उसको सिग्नल क्वालिटी अच्छा मिलता है, तब अच्छी तरह से हमारे सिग्नल क्वालिटी अच्छे आएंगे और हमारे चैनल भी ज़्यादा आते हैं जैसा आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये छतरी का घेरा है, ये इसका प्लास्टिक लगा हुआ है और इसमें ये 3 ग्रिल पर पीस लगे हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं इसका स्टिकर भी गल चुका है क्योंकि ये बारिश में उसी छतरी पर लगा हुआ था दोस्तों। मगर हमने अब इसे निकाल दिया है क्योंकि उस पे सिग्नल क्वालिटी कम था और हम उस छतरी को हमने अभी मंगा नहीं पाए हैं। इसलिए दोस्तों, ये हमने 2 फुट छतरी पर लगा कर देखा था, मगर ये काम तो कर रहा था मगर सिग्नल क्वालिटी कम आ रही थी, सिग्नल वीक हो रहे थे। शाम के टाइम में सिग्नल अच्छे आते थे और दोपहर के टाइम में ये कम आते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सी बैंड एल एन बी के बारे में दिखाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड, मिलते हैं अगली वीडियो में।